वेलकम स्टूडेंट्स इन इनोवेटिव लर्निंग सेंटर ऑफ एडिट्रेनो ट्रेनो के इनोवेटिव लर्निंग सेंटर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ट्रेनो पे आज का टॉपिक है सी बी एस ई क्लास नाइन्थ टीशूज चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर टीशूज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रुप्स ऑफ सेल्स कॉल टीशूज कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शंस फ्रेंड्स टिश्यूज जो होते हैं ये ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं और इनका सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है प्लांट और आर्मन में इसी ग्रुप ऑफ़ सेल्स को हम टिश्यू बोलते हैं जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को कार्य करता है एक स्पेशलाइज फंक्शन करता है ठीक है अब अग, एग्जाम्पल की बात करें तो इन ह्यूमन बींग्स द सेल्स ऑफ मस्कुलर टिशूज़ कॉन्टैक्ट एंड रिलैक्स एंड हेल्प इन मूवमेंट ह्यूमन बींग्स की बात जब करते हैं तो मस्कुलर टिशूज़ जो हैं वहाँ पे सेल्स जो हमारी हैं वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन का काम करती हैं जिससे हमारी बॉडी मूव करती है वहीं प्लांट की बात करें तो प्लांट में वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाती हैं जो वेस्कुलर टिश्यूज प्लांट्स में फूड वाटर का अपटेक और ट्रांसपोर्टेशन का, का काम करती है जी अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की मसल्स में स्मूथ मसल स्कल्टल मसल और कार्डियक मसल्स हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मसल्स हैं और ये मसल्स क्या हैं टिशूस हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लांट में तो जाइलम और फ्लोएम ये दो तरह के प्लांट टिशूज आपको देखने को मिलते हैं आइए नेक्स्ट देखते हैं डिफ्रेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिशूस अब मैं आपको बता दूं प्लांट और एनिमल टिशूज में कौन कौन से डिफरेंसेस पाए जाते हैं तो प्लांट एंड एनिमल्स टिश्यूज में डिफरेंसेस की बात करते हैं उसके पहले आइए शुरू करते हैं प्लांट डोंट हैव मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस मोस्ट ऑफ़ द सेल्स एंड टिश्यूज इन प्लांट्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ सो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स बिकॉज दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट जो प्लांट के टिश्यूज होते हैं स्टूडेंट्स वो प्लांट्स के टिश्यूज होते हैं वो सिर्फ प्लांट को मोस्टली मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और इसलिए प्लांट के टिश्यूज में बहुत से ऐसे टिश्यूज होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं जो प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं साथ ही साथ प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं अब बात करते हैं एंड द ग्रोथ ऑफ प्लांट टेक्स प्लेस ओनली इन सम रीजन प्लांट की जब ग्रोथ की बात करते हैं तो प्लांट का ग्रोथ कुछ कुछ भागों में ही होता है सो प्लांट्स हैव टिश्यूज कॉल्ड मेरिसमेटिक टिश्यूज विच डिवाइडेड एंड हेल्प इन ग्रोथ एंड परमानेंट टिश्यूज विच डोंट हैव डिवाइड तो प्लांट्स में इस जो टिश्यूज ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं उनको हम मेरिसमेटिक टिश्यूज के नाम से जानते हैं और जो प्लांट के सपोर्ट में इन्वॉल्व होती हैं उनको हम परमानेंट टिश्यूज़ के नाम से जानते हैं अब बात करते हैं हम एनिमल टिश्यूज़ की एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड नीड मोर एनर्जी दैन प्लांट्स एनिमल्स क्या होते हैं एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं इसलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है इसीलिए एनिमल टिश्यूज़ में मोस्टली जो सेल्स होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं द ग्रोथ ऑफ़ एनिमल इज़ मोर यूनिफॉर्म सो एनिमल्स डोंट हैव सेपरेट डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स animals have organs have specialized functions so the organs have specialized tissues अब animals में क्या है animals में growth fix नहीं होती है कि कहाँ कहाँ growth होना है इसलिए animals के लगभग सारे parts में growth होती है और इसलिए सारे tissues के अंदर division और री डिविज़न की एबिलिटी पाई जाती है और इसीलिए एनिमल्स के अंदर ऑर्गेंस होते हैं और हर ऑर्गेन के लिए स्पेशल टाइप के टिशूस देखने को मिलते हैं आइए देखते हैं नेक्स्ट अब बात करेंगे प्लांट टिश्यूज की डिटेल बात करते हैं प्लांट टिश्यूज की कि प्लांट टिश्यूज में आगे क्या क्या चीज़ें आपको देखनी और समझनी है आइए शुरू करते हैं प्लांट टिश्यूज आर द टू मेन टाइप्स दे आर मेरिस्मेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज अभी हमने कहा कि प्लांट में दो तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं एक मेरिस्मेटिक और दूसरा परमानेंट टिश्यूज जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज हैं ये क्या करते हैं प्लांट को ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं और जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं वो प्लांट में स्पेशली सपोर्ट के लिए इन्वॉल्व होता है तो मेरिस्मेटिक टिश्यूज तीन तरह के पाए जाते हैं जिसमें एपिकल मेरिस्टेमिक टिशू इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक टिशू और लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यूज ठीक है इसके बाद आते हैं हम परमानेंट टिश्यूज में तो परमानेंट टिश्यूज जो प्लांट्स की होती हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड होती हैं जिसमें सिंपल परमानेंट और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज सिंपल परमानेंट टिश्यूज में क्या आता है आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल पैर सिंपल परमानेंट टिश्यूज में आप देख सकते हैं थ्री टाइप्स है जिसमें पैरन कायमा दूसरा है क्लोनिन कायमा और तीसरा होता है स्क्लेरिन कायमा और कॉम्प्लेक्स पर्मानेंट टिश्यूज की बात करते हैं तो ये भी दो तरह के होते हैं जो जाइलम होते हैं और फ्लोएम होते हैं तो ये था मेरिस्मेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज का कैटेगराइजेशन आपने यहाँ देखा मेरिस्मेटिक टिश्यू तीन तरह के हैं एपिकल इंटर और लैटरल वहीं परमानेंट टिश्यूज क्या हैं आपके सिंपल कॉम्प्लेक्स फिर सिंपल 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 परमानेंट जो टिश्यूज हैं वो तरह है, तीन तरह से डिवाइडेड हैं तीन तरह से डिवाइडेड हैं जिसमें पेरिन काया कोलिन कायमा और स्केलेन कायमा है और इसी के साथ आप ये देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो हैं वो दो तरह के हैं इसमें ठीक है आइए आगे देखते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यूज के बारे में डिटेल में जानेंगे मेरिस्मेटिक टिश्यूज क्या है मेरिस्मेटिक टिश्यूज आर फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट लाइक रूट स्टेम एंड ब्रांचेज टॉप ऑफ रूट स्टेम एंड ब्रांचेज तो जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज हैं ये ग्रोथ रीजन में पाए जाते हैं जो स्पेशली रूट स्टेम और ब्रांच के टिप पे होते हैं दे डिवाइड कंटिन्यूसली एंड हेल्प्स द ग्रोथ इन द प्लांट और ये क्या करते हैं हमेशा डिवीजन री की प्रक्रिया को करते रहते हैं और जिससे प्लांट के ग्रोथ में इनका काफ़ी अच्छा रोल होता है आइए जानते हैं एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू आर प्रेजेंट इन द टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यूज जो होते हैं स्टेम और रूट के टिप पे पाए जाते हैं जो स्टेम और रूट के ग्रोथ को डिफाइन करते हैं लेटरल मैरिसमेटिक टिश्यूज़ की बात करते हैं ये क्या करते हैं स्टेम्स के साइड और रूट के साइड में पाए जाते हैं और जो प्लांट्स के सेकेंडरी ग्रोथ की बात करते हैं गिरथ की बात करते हैं तो वहाँ के लिए इन्वॉल्व होते हैं लेटरल मैरिस्मेटिक टिश्यूज और थर्ड है इंटर कैलरी मैरिस्मेटिक टिशूज़ ये लीव के बेस में और इंटरनोड्स में इन्वॉल्व होते हैं पाए जाते हैं और वहाँ की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं आइए आगे देखते हैं परमानेंट टिश्यूज परमानेंट टिश्यूज आर फॉर्म फ्रॉम मेरिस्मेटिक टिशूस जो परमानेंट टिश्यूज हैं ये मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ से ही बनते हैं डे डू नॉट डिवाइड एंड परमानेंट परमानेंट सेप एंड साइज इनमें डिवीजन और रीडिवीजन की प्रक्रिया नहीं पाई जाती और ये परमानेंट सेप साइज के होते हैं दे डिफ्रेंशिएट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के परमानेंट टिशूज़ में डिफ्रेंशिएट किए गए हैं जिसमें सिंपल परमानेंट टिशूज़ के बारे में जानते हैं तो सिंपल परमानेंट टिशूज आर द टाइप ऑफ सेल्स दे आर द थ्री टाइप्स कॉल्ड इसमें पैरनकाइमा कोलिनकाया और स्केलेनकाइमा है पैरनकामा क्या है पैरनकाइमा आर लूजली पैक्ड थिन वॉल्ड सेल्स हैविंग मोर इंटर सेलुरल स्पेस पैरनकाइमा सेल्स जो होते हैं इसमें क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा इंटर सेलोर स्पेस पाया जाता है और लूजली पैक्ड होते हैं थिन थिन थ वाली और लूजली पैक्ड होते हैं सम पैरन कायमा सेल्स इनलीव कंटेंस क्लोरोप्लास्ट एंड प्रिपेयर्स फूड्स बाय फोटोसिंथेसिस कुछ पेरन कायमा सेल क्लोरोप्लास्ट को रखते हैं जिसके कारण ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं कुछ पैरेंटाइमा सेल्स में लार्ज एयर कैविटीज पाई जाती हैं जिसके कारण ये वाटर पे फ्लोट कर सकते हैं और कुछ पैरें कायमा सेल में रूट और स्टेम में वाटर स्टोर करने की भी टेंडेंसी होती है अब बात करते हैं कोलिन काया कोलिन काय कंसिस्ट ऑफ इलांगोटेड सेल्स इसमें इलॉन्गेटेड सेल्स लंबी सेल्स पाई जाती हैं हैविंग इंटर सेलोर स्पेस इसमें अंतर कोश की आकाश बहुत ही कम होता है और ये कोने की तरफ थिक होते हैं हार्ड हो जाते हैं वहाँ पे इनकी सेल्स की थिकनेस ज़्यादा पाई जाती है देखिए फ्लेक्सिबिलिटी ये प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं और इसको प्लांट्स के लीफ स्टेम को बेंड होने में हेल्प करते हैं ये इसके साथ साथ प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं अब थर्ड देखते हैं स्केलन कायमा स्केलेंड्स कायमा जो है कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग डेड थिक वाल सेल ये क्या होती हैं लंबी पतली और थिक वाल की सेल्स होती हैं द सेल्स वाल कंटेंस लिग्निन और इसके थे सेलवाल में लिग्निन पाया जाता है बिच एक्ट लाइक सीमेंट एंड हार्डेंस ये क्या करता है प्लांट्स को सीमेंट जो लिग्निन है वो सीमेंट के जैसा बिहेव करता है और प्लांट को क्या करता है हार्डन करता है सीमेंट के जैसा हार्डन करता है इट गिव्स स्ट्रेंथ और ये क्या करता है पौधे को मजबूती प्रदान करने का काम करता है तो पैरेंट परमानेंट टिश्यूज़ में आपने अभी देखा सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ इसमें पैरन कायमा कोलिन कायमा और इस्केलेन कायमा होते हैं आइए नेक्स्ट देखते हैं ये आप देख सकते हैं डायग्राम से आप बेहतर समझ सकते हैं ये पैरन कायमा टीशू सेल्स हैं जो लूजली पैक्ड हैं कोलन कायमा टिशूज़ जो थोड़े से टाइटली पैक्ड हैं और इस्केलेन कायमा टिशूज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हार्डनेस ज़्यादा देखने को मिल रही है ठीक है पैरन कायमा कोलिन कायमा और स्केलेन कायमा ठीक आइए नेक्स्ट पैरन कायमा टिशूज़ कोलिन कायमा टिश्यूज़ और स्केल कायमा टीशूज़ को आप यहाँ पे देख सकते हैं अब आते हैं परमानेंट फंडल फंडामेंटल टिशूज़ में आप देखिए पैरेंट कायमा इसका करेक्ट्रिस्टिस क्या है अनस्पेशाइज सेल्स विथ थिन प्राइमरी वाल फोटोसिंथेसिस के साथ साथ सिक्रीशन और स्टोरेज का, का काम करते हैं हमारे पेरेंट जो सेल्स होते हैं ठीक है इसके बाद बात करें कोलिन का इलांगेटेड सेल्स इसमें पाए जाते हैं और अनइन प्राइमरी वॉल्स लिविंग एट मेच्योरिटी सपोर्ट लिप्स एंड स्टेम्स को सपोर्ट करता है ये और लास्ट में आप देख सकते हैं स्केलेन कायमा इसको इलांगेटेड सेल्स यहाँ पे दिख रहे हैं ये प्लांट्स को सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रदान करता है ठीक है नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ की बात करें तो ये प्लांट्स में मोस्टली मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स बने होते हैं और ये इनका जो स्ट्रक्चर होता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और दे आर और ये दो तरह के होते हैं जाइलम फ्लोएम और इनको हम वैस्कुलर या कंडक्टिव टिश्यूज़ भी बोलते हैं जाइलम क्या है जाइलम अपने अंदर ट्रैकिड्स वेसल्स और जाइलन पैरन और जाइलन फाइबर्स नाम के सेल्स को रखता है जहाँ पे जाइलम ट्रैकिड्स एंड वेसल्स जो वायम ट्रैकिड्स और वेसल्स हैं ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर और मिनरल्स को फ्रॉम द रूट टू द दल पार्ट ऑफ द प्लांट रूट से सभी पार्ट प्लांट के सभी पार्ट तक पहुँचाने का, का काम ट्रैकिड्स और वेसल्स करते हैं जाइलन पैरन स्टोर्स फूड एंड फाइबर और वहीं पे जाइलन पैरन कायमा जो है वो फूड और फाइबर को अपने अंदर स्टोर करने का काम करता है अब बात करते हैं फ्लोएम फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीप ट्यूब्स फ्लोएम में क्या पाए जाते हैं सीप ट्यूब्स पाए जाते हैं कंपेनियन सेल्स पाए जाते हैं और फ्लोएम पैरेंट कायमा और फ्लोएम फाइबर्स पाए जाते हैं सीप ट्यूब्स और कंपेनियन सेल क्या करते हैं जब प्लांट्स फूड प्रिपेयर कर लेता है तो उस फूड को सारे पार्ट तक पहुंचाने का काम करते हैं वो करते हैं आपके कंपेनियन सेल्स और सीप ट्यूब्स वहीं फोले फ्लोएम पोनन का फूड को स्टोर करता है और फाइबर्स जो होते हैं वो प्लांट्स के सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ठीक है चलिए आगे देखते हैं ये था आ, प्लांट टिश्यूज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे एनिमल टिश्यूज के बारे में और तब तक के लिए इटू ट्रेनों से बने रहिए और हाँ अगर आपको कहीं भी क्वायरीज हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिए वी विल रेडी टू हेल्प यू थैंक यू हैव अ गुड डे टू यू